अगेन वेलकम्स टू यू ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप बादरा। आई एम सुनील शर्मा, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे आई विल टीच यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4, ओके, क्लास 10th। Now, question number 5th, part number, अपना remaining था, फिफ्थ का पार्ट नंबर हमने कर लिया था। फोर्थ पार्ट अपना रिमेनिंग था, पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर, ओके। वन प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल, प्रूव करना है, साइन स्क्वेयर ए अपॉन वन माइनस कोस स्क्वेयर ए, वन माइनस कोस ए, ओके। टेकिंग एलएचएस 1 प्लस sec a अपॉन sec a, इसको रीराइट किया। अब sec a को अपन साइन कोस में चेंज करेंगे, तो sec a 1 अपॉन कोस ही होता है बाय रेसिप्रोकल फॉर्मूला, तो 1 अपॉन कोस ही राइट किया, और इसको भी डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन कोस ही राइट किया। अब न्यूमिरेटर में दिस इज फ्रैक्शन, लेट डिनोमिनेटर इज 1, दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के मिडल में प्लस माइनस साइन आ जाए तो आप एलसीएम मेथड से उसको सॉल्व करोगे। दिस इज ऑल अपॉन लाइन, कोस ए इज एलसीएम, तो 1 का कोस ए में डिवाइड किया, कोस ए बन गया कोस ए, प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 अपॉन कोस ए, ओके। अब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करना है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में होएगी तो रिवर्स हो जाएगी, तो कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, और यहाँ से अब डायरेक्ट भी सेकंड से फोर्थ डायरेक्ट भी क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, तो आप डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हो, बट प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कोस ए ऊपर एंड 1 डिनोमिनेटर हो गया इसका, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, कोस ए प्लस 1 आ गया, इट मींस वी कैन से 1 प्लस कोस ए रह गया, और डिनोमिनेटर में 1 है ओनली, तो 1 को राइट करने की नीड नहीं है, ओके। अब 1 इसको राइट करने की नीड नहीं है। अभी यहां पे देखिए ये आ गया। अब आपको एक हिंट दी हुई है बुक के अंदर कि हिंट सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, यानी इससे ज्यादा ये सोल्व नहीं हो सकता, तो आप आरएचएस को सोल्व कर लो, टेकिंग आरएचएस फिर उसको सोल्व कर लो, ओके। ये भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस कोस ए इन अबो एंड बिलो, इसके कॉन्जुगेट से अपॉन अबो और बिलो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेफिनेटली कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला गेन होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ओके। तो मल्टीप्लाइंग मैं सेपरेटली इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं केवल एलएचएस से ही आरएचएस ले आऊंगा, मल्टीप्लाइंग
बाय कंजुगेट ऑफ वन प्लस कोस ए, वन प्लस कोस ए इन अबो एंड बिलो, अबो एंड बिलो, ओके। वन प्लस कोस ए, यहाँ पे प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, माइनस। तो वन प्लस कोस ए इंटू वन माइनस कोस ए, अब न्यूमिरेटर में कर दिया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, वन माइनस कोस ए, ओके। देखो टारगेट में वन माइनस कोस ए, डिनोमिनेटर में अपने को इसकी नीड है। ऊपर जब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला गेन होता है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए एज ए वन एंड बी एज ए कोस ए, और डाउन में आ गया वन अपॉन कोस ए। वन का स्क्वेयर क्या हो गया, वन, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, वन का स्क्वेयर हो गया वन माइनस कोस स्क्वेयर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। वन माइनस कोस ए को अपन वन माइनस कोस स्क्वेयर ए फ्रॉम आइडेंटिटी वन वी कैन राइट साइन स्क्वेयर ए, साइन स्क्वेयर ए हो गया। वन माइनस कोस स्क्वेयर ए को फर्स्ट आइडेंटिटी से क्या राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वेयर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। तो एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ओके। तो ये हमने इसको, मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू साइन एंड कोस, बिकॉज इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी। तो sec a को और sec a को टू टाइम है ना, तो इसको वन अपॉन कोस ए, वन अपॉन कोस ए राइट कर दिया, यानी ये क्वेश्चन साइन और कोस में चेंज हो गया। साइन में तो हुआ नहीं बट कोस में, या तो साइन में हुए या कोस में हुए या साइन और कोस दोनों में हुए, ओके। तो अब न्यूमिरेटर में क्या किया हमने, यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इसके डाउन में वन लेट कर लिया, ये भी फ्रैक्शन होगी। फ्रैक्शन के मिडल में प्लस माइनस साइन है, ये ऑल अपॉन वाली लाइन होगी, ओके। तो एलसीएम लिया हमने, कोस ए एलसीएम आ गया, वन का कोस ए में डिवाइड किया, कोस ए कोस ए वन जा कोस ए, प्लस का प्लस, कोस ए से कोस ए कैंसिल, वन वन इंटू वन वन अपॉन वन अपॉन कोस ए एज इट इज, ओके। अब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करना है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में होगी तो रिवर्स हो जाएगी, ये ऊपर और ये डाउन में, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, वन प्लस कोस ए आ गया, मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ वन प्लस कोस ए, वन प्लस कोस ए का कॉन्जुगेट है उससे अबो और बिलो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट से तो डेफिनेटली ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्मूले की फॉर्मेशन होती है। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो वन माइनस कोस ए डाउन में एज इट इज, वन माइनस कोस ए कोस स्क्वेयर ए को राइट किया साइन स्क्वेयर ए अपॉन वन माइनस कोस ए, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से, ओके। एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, तो थोड़ा स्टैंड है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी तो ये थोड़ा आउट भी हो गया था, आप इसको ध्यान रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन,
ओके इजिकल प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, ओके यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी थर्ड, इट मीन्स कोसेक स्क्वेयर ए इज इक्वल वन प्लस कोट स्क्वेयर ए, इस आइडेंटिटी को यूज करना है। यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस एंड साइन में है तो उसमें कोसेक और कोट आ रहा है तो इनको कोसेक कोट में चेंज करना है। टेकिंग एल एच एस, टेकिंग एल एच एस, री राइट एल एच एस, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ओके। अब इसमें अगर हम साइन ए का डिवाइड कर दें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है, साइन ए का न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, फिर सेपरेटली डिवाइड कर दें, ओके, सेपरेटली डिवाइडेशन कर दें, तो इसके सिमिलर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 15 भी होना चाहिए, ओके। एग्जाम्पल नंबर 15 उसमें सेकंड आइडेंटिटी यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ओके। तो अपन इसमें साइन का डिवाइड कर दें, ओके, और फिर सेपरेटली डिवाइडेशन करेंगे तो कोस अपॉन साइन कोट होएगा, साइन अपॉन साइन वन होएगा, वन अपॉन साइन कोसेक होएगा, तो इससे कोट और इससे कोसेक की फॉर्मेशन हो जाएगी। डिवाइड बाय, डिवाइड बाय साइन ए इन अबो एंड बिलो कह लो या न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर कह लो, इन अबो एंड इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर इसमें अपन को सेकंड आइडेंटिटी यूज करनी है तो कोस ए का डिवाइड करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन, वन अपॉन कोस सेक हो जाएगा, ओके। बट अपने को तो थर्ड आइडेंटिटी यूज करनी है तो कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए होल अपॉन, दिस इज होल अपॉन लाइन, कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। अब सेपरेटली डिवाइडेशन, इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आपको समझाने के लिए बोला है, ओके। सेपरेटली डिवाइडेशन की कंडीशन क्या होती है, अबो वन टर्म इन न्यूमिरेटर एंड इन डिनोमिनेटर ओनली सिंगल टर्म, देन वी कैन सेपरेटली डिवाइडेशन, तो कोस अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ओके, प्लस वन अपॉन साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, क्लियर। तो कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट ए बाय रेसिप्रोकल फॉर्मूला, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया वन, प्लस वन अपॉन साइन ए हो गया कोसेक ए, ओके, अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कोट ए
साइन से साइन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन अपॉन साइन ए कोसेक ए। अब इससे ये कैंसिल नहीं कर सकते, इससे ये कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज प्लस माइनस की प्रॉब्लम है, इट मीन्स अबव वन टर्म है, क्लियर। नाउ अब हम इसको ऐसे राइट कर दें, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस वन। अपन पहले चेंज कर सकते हैं बट साइन चेंज नहीं कर सकते, और इसको भी ऐसे ही राइट कर दिया, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये माइनस का कोसेक ए, तो कोट ए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब इस वन की जगह आप पुट कर लो कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए। इस वन की जगह आपको क्या चेंजिंग करनी है, कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए। तो अपन यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, या यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन, ये कर लो कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस वन के पहले इस पे कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर थर्ड, ओके, अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, ओके। यहाँ पे इस वन की जगह कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए राइट नहीं करना, क्योंकि ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया आपके पास कोसेक ए प्लस कोट ए और माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए एज ए कोसेक ए एंड बी एज ए कोट ए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ओके, ऑल अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन एज इट इज, ओके। अब यहाँ पे देखिए, इसको अपन ने ब्रैकेट में राइट कर लिया, तो टू टर्म है, यहाँ पे प्लस है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे माइनस है सेकंड टर्म। टू टर्म में कोसेक ए प्लस कोट ए क्या है, कॉमन है, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन है, तो कोसेक ए प्लस कोट ए आ गया कॉमन। और बिग ब्रैकेट लेंगे अपन, यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में ओनली ऑन वन माइनस, यहाँ पे ये बच गया रिमेनिंग पोर्शन, सेकंड फैक्टर बच गया कोसेक ए माइनस कोट ए, ओके, ये स्मॉल है वो बिग ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे ये बिग ब्रैकेट हो गया, ओके। तो टू टर्म में से हमने कॉमन लिया कोसेक ए प्लस कोट ए, अपॉन में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, टारगेट अपना इतना ही है कोसेक ए प्लस कोट ए, ओके, ये टोटली पोर्शन कट जाना चाहिए। यहाँ पे आप आउट ऑफ ब्रैकेट माइनस है, तो यहाँ पे ब्रैकेट की डेफिनेटली नीड है, बिकॉज अबोव वन टर्म है, तो कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज, ब्रैकेट ब्रेक कर दो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस वन माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ओके, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब नोटिस करो, वन प्लस का वन प्लस का, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का कोट प्लस का कोट, इसको थोड़ा अपन इंटरचेंज कर देते हैं, और अभी ये कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज थ्री टर्म है, वन टू थ्री, तो इनको ब्रैकेट में राइट करके अपन कैंसिल कर सकते हैं, ओके। तो प्लस माइनस की प्रॉब्लम अभी कैंसिल नहीं होएगा, तो इसको अपन थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, यहाँ पे राइट कर रहा हूँ मैं कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू वन माइनस
कोसेक ए प्लस कोट ए होल अपॉन, एक तो ब्रैकेट में राइट करेंगे नहीं तो कैंसिल नहीं हो सकता, प्लस माइनस की प्रॉब्लम है। वन को पहले राइट कर लिया, माइनस का कोसेक है उसको सेकंड नंबर पे, प्लस कोट ए, ये टू फैक्टर है सिंगल टर्म में न्यूमेरेटर में, और डिनोमिनेटर में ओनली सिंगल ही टर्म है, बिकॉज इन ब्रैकेट प्लस एंड माइनस साइन नॉन काउंटेबल। तो इस फैक्टर से ये टोटली फैक्टर कैंसिल हो गया, कोसेक ए प्लस कोट ए, एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, हैंस प्रूड, हैंस प्रूड। ओके मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 15 है। ओके वहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी यूज करनी है, इट मीन्स sec स्क्वेयर ए इज इक्वल 1 प्लस tan स्क्वेयर ए यूज करना है। ओके तो sec और tan में चेंज करना पड़ेगा ये जो साइन और कोसाइन को, तो यहाँ पे अपने को थर्ड आइडेंटिटी यूज करने के लिए साइन ए का डिवाइड किया हमने, डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, टेकिंग एल एच एस रीराइट किया, साइन ए का न्यूमिरेटर में और साइन ए का ही डिनोमिनेटर में। अपन मैथमेटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं बट वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में साइन ए का डिवाइड किया, और अबो वन टर्म इन न्यूमिरेटर एंड इन डिनोमिनेटर सिंगल टर्म, तो अपन सेपरेटली क्या कर सकते हैं, सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सेपरेटली डिवाइडेशन, और डिनोमिनेटर में भी सेपरेटली डिवाइडेशन अपन कर सकते हैं। ओके तो सेपरेटली डिवाइडेशन इन न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, कोस अपॉन साइन ए माइनस एज इट इज, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस एज इट इज, वन अपॉन साइन ए, क्लियर, और इन डिनोमिनेटर कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए, क्लियर। कोस ए अपॉन साइन ए बाय स्पेशली फॉर्मूला कोट ए माइनस साइन से साइन कैंसिल, वन प्लस वन अपॉन साइन ए कोसेक ए। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा स्टैंड में प्रॉब्लम आ गई, 2 डेज में 5 टाइम मोबाइल डंप हो चुका है। नाउ तो कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए, कोसेक ए अपॉन साइन ए कोट ए, साइन बाय साइन कैंसिल, वन माइनस एज इट इज, वन माइनस साइन ए कोसेक ए। अब अपन इसको राइट करते हैं, कोसेक ए फर्स्ट टाइम राइट करेंगे, देन कोट ए माइनस वन लास्ट में, अपन पहले चेंज कर सकते हैं बट साइन चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब इस वन के पैलेस पे अपन ने राइट किया बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर थर्ड, कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, ये वन के पैलेस पे हमने क्या चेंज किया, कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए, और डिनोमीटर एज इट इज। ओके ये टोटल कैंसिल हो जा रहा है, कोसेक स्क्वेयर ए माइनस कोट स्क्वेयर ए, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया। तो ए इसके पैलेस पे हमने नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट किया, इट मीन्स ए एज ए कोसेक ए एंड बी एज ए कोट ए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इन न्यूमिरेटर 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे प्लस है तो फर्स्ट, और यहाँ पे माइनस है सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म में ओनली ऑन वन ही फैक्टर है कोसेक ए प्लस कोट ए, और इन सेकंड टर्म 2 फैक्टर अवेलेबल हैं, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। फैक्टर का पता मल्टीप्लाई से चलता है, मल्टीप्लाई के साइन से, और प्लस और माइनस साइन से टर्म का पता चलेगा। ओके कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये हमने न्यूमिरेटर में से कॉमन टैग किया, तो फर्स्ट टर्म में ओनली वन आ गया माइनस एज इट इज, सेकंड टर्म में ये फैक्टर रिमेनिंग रह गया। तो माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट की नीड है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, जो स्मॉल है वो क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, क्लियर।
अब इस ब्रैकेट को ब्रीक कर देते हैं अपन स्मॉल ब्रैकेट को, और डिनोमिनेटर एज इट इज चल रहा है, ओके, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ब्रैकेट ब्रीक हो गया। यहाँ पे माइनस का वन है तो ये दोनों जो टर्म है इनकी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस कोस ए के माइनस माइनस प्लस कोट ए। अब आप नोटिस करो वन प्लस का है, वन प्लस का है, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का कोट प्लस का कोट, तो अभी तो ये कैंसिल नहीं हो सकते बिकॉज थ्री टर्म है, ओके, प्लस माइनस की प्रॉब्लम है, तो अपन इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, ओके, तो प्लस माइनस फिर काउंट नहीं होंगे बिकॉज टर्म ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस साइन, बट इन ब्रैकेट प्लस एंड माइनस नॉन काउंटेबल, ओके। तो वन माइनस कोसेक ए, इसको हमने ऐसे राइट किया, वन पहले राइट किया, माइनस कोसेक ए बाद में राइट किया, प्लस कोट ए बाद में राइट किया, तो ये टोटल फैक्टर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ओके। टू फैक्टर है न्यूमिनेटर में, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो ये टू फैक्टर हो गए, इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, कोसेक ए प्लस कोट ए एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, ओके। तो इसके सिमिलर एग्जाम्पल नंबर 15 है, वो आप करके देखो। नाउ पार्ट नंबर 6, जो पार्ट नंबर 6 है फिफ्थ क्वेश्चन का, वो बोर्ड एग्जाम में 2 times आया हुआ है और अबो 2 time भी आया हुआ हो सकता है, बट 2 time तो ये डेफिनेटली आया हुआ है। सिक्स नंबर पार्ट है, वन इन अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल प्रूव करना है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ओके, टेकिंग एल एच एस, टेकिंग एल एच एस, इन अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन में अंडर रूट न्यूमिनेटर में भी है और अंडर रूट डिनोमिनेटर में भी है, तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से अबो एंड बिलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इन अबोव एंड बिलो इन अंडर द रूट, अंडर द रूट, क्लियर। मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इन अबोव एंड बिलो इन अंडर द रूट। नाउ वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, क्लियर, अबोव वन टर्म है देन यूज द ब्रैकेट, ओके, तो अंडर रूट में ही करना है, वन माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट होएगा वन प्लस साइन ए, अब न्यूमिनेटर में कर दिया तो डिनोमिनेटर में भी, वो डिनोमिनेटर में कर दिया न्यूमिनेटर में भी वन प्लस साइन ए, ओके। अब डेफिनेटली डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वेयर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और कॉन्सिडेंसली यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वेयर सॉरी बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर विल बी एड, तो वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन इसको वन प्लस साइन ए होल स्क्वेयर राइट कर देंगे,
ओके अब सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्क्वायर रूट को, वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, होल स्क्वायर से होल रूट कैंसिल हो गया तो ये आ गया वन प्लस साइन ए अपॉन अंडर द रूट में वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, व्हाई? बिकॉज माइनस की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लो। वन माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन क्या राइट कर सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए को बाय हेल्प ऑफ आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट अपन राइट कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर कैंसिल बाय रूट। ओके अब माइनस की प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्वायर कैंसिल बाय रूट, ये आ गया अपने पास वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। बट टारगेट क्या है, सेक एंड टेन में है, तो अपन इसमें अबो वन टर्म इन न्यूमिनेटर एंड सिंगल टर्म इन डिनोमिनेटर, देन वी कैन सेपरेटली डिवाइडेशन, सेपरेटली डिवाइडेशन, सेपरेटली डिवाइडेशन का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं अपन। तो वन अपॉन कोस ए, ओके, और साइन ए अपॉन कोस ए, वन अपॉन कोस ए, ये आपको समझाने के लिए राउंड किया है मैंने, आपको नोटबुक में नहीं करना, प्लस साइन ए बाय कोस ए। अब वन अपॉन कोस ए रेसिप्रोकल फॉर्मूले से सहके होता है, और स्पेशली फॉर्मूले से साइन ए बाय कोस ए ये क्या होता है, टेन ए होता है। ओके एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, हेंस प्रूवड, हेंस प्रूवड। ओके तो टेकिंग एल एच एस रीराइट किया, मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इन अबोव एंड बिलो इन द अंडर रूट। ओके तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा डिनोमिनेटर में, वो कॉन्जुगेट में, और डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे डेफिनेटली फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्लियर? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला हो गया डिनोमिनेटर में, ए एज ए वन एंड बी एज ए साइन ए। अब ये टू टाइम मल्टीप्लाई है तो होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, होल स्क्वायर से होल अंडर रूट कैंसिल हो गया, वन का स्क्वायर, अब सेपरेटली अपने स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर? स्क्वायर से स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा बिकॉज माइनस की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन राइट कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, अबो वन टर्म इन न्यूमिनेटर एंड सिंगल टर्म इन डिनोमिनेटर, देन वी कैन यूज सेपरेटली डिवाइडेशन, वन अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, वन अपॉन कोस ए बाय रेसिप्रोकल फॉर्मूला वी कैन राइट sec a, एंड साइन ए अपॉन कोस ए वी कैन राइट tan a बाय स्पेशली फॉर्मूला। दिस इज अवर टारगेट, एल एच एस टैग करके आर एच एस गेन किया हमने, तो एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 7, सॉरी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल, प्रूव करना है टेन थीटा।
taking LHS, rewrite LHS, sin theta minus 2 sin cube theta all upon 2 cos cube theta minus cos theta. अब न्यूमेरेटर में से साइन थीटा की वन पावर क्या आ रही है कॉमन, यहाँ पे थ्री पावर है, यहाँ पे वन पावर है, वन पावर कॉमन आ रही है. और डिनोमिनेटर में कोस क्यूब है, कोस की पावर वन है, तो डिनोमिनेटर में वन पावर कॉमन आ रही है कोस की, और साइन की वन पावर कॉमन आ रही है न्यूमेरेटर में. तो साइन थीटा न्यूमेरेटर में से कॉमन ले लिया टू टर्म में से, यहाँ पे वन आ गया, इस टर्म में टोटल चीज आउट हो गई, तो जो मल्टीप्लाई वाला वन होता है वो रह जाता है. ओके, आप इसमें साइन में साइन का डिवाइड करोगे वन आ जाएगा, माइनस इसमें साइन का डिवाइड करोगे टू साइन स्क्वायर, मतलब डिवाइड करना होता है कॉमनली भी थिंग का ट्रम में, तो जो कोशेंट होता है वो यहाँ पे राइट हो जाता है. तो साइन की वन पावर कैंसिल होगी, साइन की वन पावर से टू पावर रिमेनिंग. ओके, यहाँ पे वन पावर थी वही आउट होगी, तो ओनली वन रह गया. अब यहाँ पे टू कोस थीटा कॉमन, कोस थीटा इज कॉमन, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्लियर. अब इसको अपन क्या राइट कर सकते हैं, इसको अपन इस वन की जगह अपन राइट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा. साइन इस वन की जगह हमने राइट किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज. ओके, अपॉन कोस थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन को अपन राइट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर. ये स्मॉल ब्रैकेट यूज हुआ था, जो स्मॉल है वो क्या हो जाएगा बिग. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा पहले राइट कर लिया हमने, माइनस का टू साइन स्क्वायर है, प्लस का वन साइन स्क्वायर है, तो माइनस का रिमेनिंग आ गया वन साइन स्क्वायर थीटा. ओके, ऑल अपॉन कोस थीटा, ये स्मॉल ब्रैकेट ब्रेक कर दो, टू कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है तो डेफिनेटली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा आपको, ब्रैक के बाहर माइनस है ना, यहाँ पे वन की जगह टू टर्म आ गया और ब्रैक के बाहर क्या है माइनस, तो आपको डेफिनेटली ब्रैक यूज करना होगा. माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करा रहे हैं साइन को. ओके, बिग ब्रैक एज इट इज, साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्मॉल ब्रैकेट ये ऑल अपॉन कोस थीटा इनटू टू कोस स्क्वायर थीटा में से वन कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, वो लेस हो गया, तो वन कोस स्क्वायर थीटा प्लस का और साइन स्क्वायर थीटा माइनस का एज इट इज. ओके, अब टू ट्रम है न्यूमेरेटर में, टू सॉरी वन ट्रम टू फैक्टर इन न्यूमेरेटर, वन ट्रम एंड टू फैक्टर इन डिनोमिनेटर, और ये फैक्टर क्या है सेम है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा, एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. ओके, तो साइन, अब टेकिंग एलएचएस रीराइट कर लिया, साइन की पावर वन कॉमन आ गई न्यूमेरेटर में, कोस की पावर वन कॉमन आ गई डिनोमिनेटर में. अब साइन अपॉन कोस ये टेन बन रहा है, तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए, ये कैंसिल कैसे होएगा, इस वन की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा राइट कर दो, और इस वन की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा राइट कर दो, बट यहाँ पे माइनस है तो आपको डेफिनेटली स्मॉल ब्रैकेट यूज करना होगा, तो जो स्मॉल ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा बिग हो जाएगा, क्लियर. तो माइनस का टू साइन स्क्वायर प्लस का वन साइन स्क्वायर, तो माइनस का वन साइन स्क्वायर आएगा, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये तो न्यूमेरेटर में आ गया इस स्टेप में, और यहाँ पे ब्रैकेट ब्रेक कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस,
तो टू कोस स्क्वायर में से वन कोस स्क्वायर लेस हो गया, कोस स्क्वायर रह गया माइनस साइन स्क्वायर। अब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में ये सेम फैक्टर है, मल्टीप्लाई का साइन फैक्टर को डिनोट करता है, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो ओनली कौन से फैक्टर बच गए, साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन। एल एच एस इज इक्वल आर एच एस, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर एट है वो, और ये क्वेश्चन जो अभी करवाया है, मतलब ये फिफ्थ क्वेश्चन के जो टेन पार्ट हैं उनमें फोर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में 27 नंबर क्वेश्चन में मिलेंगे, टू करने आपको और टू अटेम्प्ट नहीं करने, मतलब ऑप्शन आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए, कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, क्लियर। टेकिंग एल एच एस, रीराइट कर लेंगे एल एच एस को, टेकिंग एल एच एस, एल एच एस साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे साइन कोस में इसको चेंज नहीं करेंगे, उससे पहले फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर टू टाइम अपन ओपन कर देंगे, तो इसमें यहाँ पे ओपन करेंगे तो क्या होएगा, ए एज ए साइन ए एंड बी एज ए कोसेक ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी एज ए कोसेक ए, तो बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके। ये फॉर्मूला ओपन कर दिया, प्लस यहाँ पे ए एज ए कोस ए और बी एज ए सेक ए, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब रेसिप्रोकल फॉर्मूले में आपको बताया था साइन ए इंटू कोसेक ए वन होता है और कोस ए इंटू सेक ए वन होता है, तो कोसेक ए को हमने यहाँ पे वन अपॉन साइन ए राइट कर दिया, ओके, टू साइन ए एज इट इज, क्लियर। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है और यहाँ पे हमने टू कोस ए सेक ए को राइट किया वन अपॉन कोस ए, तो ये कोस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर, सॉरी कोसेक स्क्वेयर ए प्लस टू साइन ए इंटू वन अपॉन साइन ए प्लस कोस स्क्वेयर ए प्लस सेक स्क्वेयर ए, क्लियर। तो यहाँ पे सिक्स टर्म है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे थर्ड और सिक्स टर्म में टू टू आ गए, तो टू प्लस टू, अब साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए को एक साथ राइट कर देंगे, ये हमने किया टू थर्ड टर्म में और सिक्स टर्म में भी टू, टू प्लस टू साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए को एक साथ राइट कर देंगे, फोर टर्म का कैलकुलेशन हो गया। अब इसको राइट करेंगे पहले सेक स्क्वेयर ए और प्लस कोसेक स्क्वेयर ए, कोसेक स्क्वेयर ए, तो टू टू फोर हो गया, फोर प्लस इसका वैल्यू हो गया वन, ओके, प्लस साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए का वैल्यू वन। अब ये आ गया अपने पास सेक स्क्वेयर ए नहीं चाहिए और सेवन चाहिए यहाँ पे टोटली, तो इसको राइट किया वन प्लस टेन स्क्वेयर ए और प्लस इसको राइट किया वन प्लस कोट स्क्वेयर ए, ये तो आइडेंटिटी नंबर सेकंड से और ये आइडेंटिटी नंबर थर्ड से, तो फोर और वन फाइव प्लस वन प्लस टेन स्क्वेयर ए प्लस वन प्लस कोट स्क्वेयर ए, क्लियर। फोर और फाइव सिक्स, सिक्स और वन सेवन,
7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 4 स्क्वायर ए, दिस इज अवर फाइनली आंसर. LHS इज इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. क्लियर? तो रीराइट LHS, टेकिंग LHS रीराइट किया, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, टू टाइम a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया, a एज ए साइन ए, b एज ए कोसेक ए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a b. क्लियर? यहाँ पे साइन ए कोसेक ए 1 हो सकता है, तो इसको 1 अपॉन साइन ए राइट कर दिया, इसको 1 अपॉन कोस ए राइट कर दिया. तो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, बाकी टर्म एज इट इज, बाकी टर्म एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज. ओके, तो यहाँ पे 6 टर्म है, इस टर्म में आ गया 2, इस टर्म में आ गया 2, वो पहले राइट कर लिया हमने. साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए को एक साथ राइट कर लिया वन ब्रैकेट में, प्लस एक बच गया sec स्क्वेयर ए और एक बच गया cosec स्क्वेयर ए. तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स टर्म है यहाँ पे, तो 4 प्लस इसका वैल्यू 1 हो गया. अब sec स्क्वेयर ए नहीं चाहिए टारगेट में अपने को, tan स्क्वेयर ए चाहिए. तो वैल्यू ऑफ sec स्क्वेयर इन tan स्क्वेयर ए टर्म, वैल्यू ऑफ cosec स्क्वेयर ए इन cot स्क्वेयर ए टर्म. तो सेकंड आइडेंटिटी से राइट किया, ये थर्ड आइडेंटिटी से. अब ब्रैकेट फ्री कर दो, बार प्लस है, आउट ऑफ ब्रैकेट प्लस है, तो नो इफेक्ट इन साइन ऑफ ब्रैकेट वाले टर्म. तो 1 आ गया है, तो ये प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 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 1 प्लस 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 कोट स्क्वायर ए, 5 और 1 7, 6 6 और 1 7, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए. LHS इज इक्वल RHS. नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट ऑफ नाइन्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नाइन्थ पार्ट. कोसेक ए माइनस साइन ए इज इक्वल, प्रूव करना है अपने को, इनटू है सेक ए माइनस कोस ए, कोस ए इज इक्वल 1 अपॉन टेन ए प्लस, टेन ए प्लस कोट ए. ओके, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, रीराइट LHS, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए. तो साइन कोस में चेंज करेंगे, तो साइन है ये कोस है, इन दोनों को साइन कोस में चेंज करेंगे. 1 अपॉन साइन ए बाय रेसिप्रोकल फॉर्मूला माइनस साइन ए एज इट इज, 1 अपॉन कोस ए बाय रेसिप्रोकल फॉर्मूला माइनस कोस एज इट इज. साइन कोस में चेंज हो गया, अपॉन 1 अपॉन 1, टू फैक्टर में फ्रैक्शन के मिडल में माइनस साइन है, तो बाय एलसीएम मेथड इसको सॉल्व करेंगे अपन. तो साइन ए एलसीएम, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 माइनस 1 का साइन ए में डिवाइड किया, साइन ए साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वेयर ए इंटू कोस ए एलसीएम, कोस का कोस में डिवाइड किया, 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1 का कोस ए में डिवाइड किया, कोस ए, कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वेयर ए. क्लियर? 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए को अपन राइट कर सकते हैं कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए, इन टू में क्या है 1. अब सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट की नीड नहीं है. 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए को अपन राइट कर सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस ए. अब कोस की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो गई, साइन की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो गई, डिनोमिनेटर टोटल कैंसिल हो गया, और न्यूमिनेटर में कोस की पावर 1 और साइन की पावर 1 ये आ गए. अब डिनोमिनेटर 1 को राइट करने की नीड नहीं है. अब क्वेश्चन स्टॉप हो गया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस होता ना
तो मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता अबो एंड बिलो, ओके। बट यहाँ पे प्लस माइनस भी नहीं है और ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो LHS को इससे ज़्यादा अपन सोल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे LHS सिंप्लीफाई हो गया। तो इस कंडीशंस में आपको RHS टेक करना है, तो टेकिंग RHS उसको सोल्व कर लेना है, इसके इक्वल आ जाएगा टेकिंग RHS। यानी इसमें हिंट भी गिवन है कि LHS और RHS को सेपरेटली सोल्व करना है आपको, ओके। तो 1/10 प्लस कोटे, साइन कोस में चेंज कर दो इसको, तो 1/10 को राइट किया स्पेशल फॉर्मूले से साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोटे को राइट किया कोस ए अपॉन साइन ए। न्यूमिरेटर में फ्रैक्शन के मिडल में प्लस का साइन है, देन बाय एलसीएम मेथड इसको सोल्व करेंगे। तो 1/1 तो हो गया एज इट इज, ओके, और ये होल अपॉन लाइन साइन ए कोस ए एलसीएम आ गया, साइन ए कोस ए क्या आ गया एलसीएम, या कोस ए साइन ए कह लो, एक ही बात है, कोस ए साइन ए एलसीएम आ गया। इसका इसमें डिवाइड किया, कोस ए कैंसिल हो गया, साइन ए रह गया, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वेयर ए प्लस, अब साइन ए का इसमें डिवाइड किया, साइन ए कैंसिल हो गया, कोस ए रिमेनिंग, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वेयर ए, ओके। अब डिनोमीटर में फ्रैक्शन है तो न्यूमिरेटर में भी क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे। अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो 1/1, अच्छा एक यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए की, तो 1/1 ऑल अपॉन 1/ कोस ए इंटू साइन ए, ओके। अब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करना है तो 1/1 इंटू कोस ए, ये रिवर्स हो जाएगी डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगी, तो कोस ए इंटू साइन ए अपॉन 1। फ्रैक्शन के मिडल में मल्टीप्लाई का साइन है, न्यूमिरेटर का न्यूमिरेटर में, डिनोमीटर का डिनोमीटर में, तो 1 को डिनोमीटर में राइट करने की नीड नहीं है, कोस ए इंटू साइन ए LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। मैं रिपीट कर देता हूँ, टेकिंग LHS, रीराइट LHS, साइन कोस में चेंज करेंगे, कोस ए के को राइट किया 1/ साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज, सेक ए को राइट किया 1/ कोस ए माइनस का माइनस कोस ए एज इट इज। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसके डाउन में 1 लेट कर लो, ये फ्रैक्शन है इसके डाउन में 1 लेट कर लो, तो ये इस स्टेप में साइन कोस में चेंज हो गया क्वेश्चन। अब फ्रैक्शन के मिडल में माइनस का साइन एलसीएम मेथड यूज करेंगे, साइन ए एलसीएम आ गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 1 इंटू 1 1, माइनस एज इट इज 1 का साइन ए में डिवाइड किया साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वेयर ए। यहाँ पे फ्रैक्शन के मिडल में माइनस का साइन है तो कोस ए एलसीएम मेथड यूज करेंगे, कोस ए एलसीएम, कोस ए का कोस ए में डिवाइड किया 1 1 इंटू 1 1, माइनस एज इट इज 1 का कोस ए में डिवाइड किया कोस ए, कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वेयर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए को क्या राइट कर देंगे, कोस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए। अब सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट की नीड नहीं है, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए को फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वेयर ए राइट किया अपॉन कोस ए एज इट इज, साइन की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल होगी, 1 पावर रहेगी, कोस की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल होगी, 1 पावर रिमेनिंग, तो न्यूमिनेटर में आ गया कोस ए इंटू साइन ए और डिनोमेटर टोटली कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे नो प्लस माइनस अवेलेबल, तो और साइन कोस में है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप। यानी ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, इससे ज़्यादा इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में टेकिंग LHS, रीराइट LHS, सॉरी टेकिंग RHS, रीराइट RHS। अब इसको साइन कोस में चेंज करेंगे, 1 न्यूमिरेटर में एज इट इज, टेन ए को राइट किया साइन ए अपॉन कोस ए बाय स्पेशल फॉर्मूला, प्लस एज इट इज कोट ए को राइट किया कोस ए अपॉन साइन ए। अब डिनोमीटर में फ्रैक्शन के मिडल में प्लस का साइन है तो वी यूज एलसीएम मेथड, कोस ए साइन ए का एलसीएम आ गया कोस ए साइन ए, 1 न्यूमिरेटर में एज इट इज ऑल अपॉन लाइन, कोस ए का इसमें डिवाइड किया कोस ए कैंसिल, साइन ए रह गया, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वेयर ए प्लस एज इट इज, साइन ए का इसमें डिवाइड किया साइन ए कैंसिल, कोस ए रह गया कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वेयर ए। अब यहाँ पे डिनोमीटर में फ्रैक्शन है तो न्यूमिरेटर में फ्रैक्शन लेट करने के लिए 1 लेट कर लिया हमने। अब साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस
cos square a की डायरेक्ट वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 ऑल अपॉन 1 अपॉन cos a into sin a। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करना है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, cos a sin a ऊपर और 1 नीचे। अब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन के मिडिल में मल्टीप्लाई का साइन है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में 1 into 1 1 आ गया तो राइट करने की नीड नहीं है, cos a into sin a 1 जा cos a into sin a। LHS is equal RHS। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। टेंथ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, दिस इज LHS। 1 माइनस 10 ए, 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल 10 स्क्वायर ए। LHS, MHS एंड RHS, ये LHS, MHS, RHS थ्री पोर्शन है इसमें। तो अपन पहले LHS टैग करके RHS के इक्वल करेंगे, फिर MHS टैग करके RHS के इक्वल करेंगे, ये टारगेट है। तो LHS को RHS के और MHS को भी RHS के इक्वल करेंगे। तो टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, रीराइट द LHS, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ओके। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी नंबर सेकंड, दिस इज डायरेक्ट आइडेंटिटी नंबर थर्ड, ओके। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को राइट किया sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को राइट किया cosec स्क्वायर ए। अब इसको sin cos में चेंज करेंगे। अब साइन कोस में चेंज करने से पहले डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो इसको साइन कोस में चेंज करने से पहले डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज किया हमने। अब इसको राइट किया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a, तो sec स्क्वायर a क्या होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और इसको राइट किया 1 अपॉन sin स्क्वायर a, cos a होता है 1 अपॉन sin a, तो cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करना है, तो नीचे वाली फ्रैक्शन जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगी तो क्या हो जाएगी रिवर्स, ओके। 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है टेन ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये LHS टैग करके RHS के इक्वल कर दिया, LHS इज इक्वल RHS, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, LHS इज इक्वल RHS। नाउ टेकिंग MHS, टेकिंग MHS, MHS 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर एज इट इज, तो साइन कोस में चेंज करेंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए बाय स्पेशल फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए बाय स्पेशल फॉर्मूला, साइन कोस में चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखो फ्रैक्शन है, दिस इज नॉट फ्रैक्शन, लेट 1 दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर लिया, तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के मिडिल में माइनस साइन है, तो एलसीएम मेथड यूज करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो होल अपॉन लाइन, न्यूमिनेटर में एलसीएम आ गया कोस ए, 1 का कोस ए में डिवाइड किया, कोस ए कोस ए बन जा कोस ए, माइनस कोस ए से कोस ए कैंसिल साइन ए, क्लियर। अपॉन डिनोमिनेटर में 1 और साइन का एलसीएम आ गया साइन ए, और 1 का साइन ए में डिवाइड किया साइन ए बन जा साइन ए, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल कोस ए,
ओके होल स्क्वायर एज इट इज। अब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड है तो नीचे वाली फ्रैक्शन डिवाइड से मल्टीप्लाई में शो कर दो, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए ऊपर हो गया और साइन ए माइनस कोस ए, क्लियर। अबोव वन ब्रैकेट अबोव वन टर्म देन यूज द ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट हो गया ओके। अबोव वन ब्रैकेट वन टर्म देन यूज द ब्रैकेट होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहां से ये कैंसिल, ये साइन माइनस का प्लस का है, ये साइन माइनस का है, ये माइनस का कोस है, ये प्लस का कोस है, अभी कैंसिल नहीं हो सकते, साइन इक्वल नहीं है, तो यहां से बाय फोर्स माइनस कॉमन टैग कर लो आप। माइनस कॉमन टैग किया हमने माइनस, तो ये जो प्लस का है वो किसका हो गया माइनस का, और जो माइनस का है वो किसका हो गया प्लस का, साइन ए होल अपॉन साइन ए इनटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए ओके होल स्क्वायर एज इट इज। साइन प्लस का कोस माइनस का कोस माइनस का, ये फैक्टर क्या हो गया कैंसिल, बट ये माइनस अवेलेबल है अभी, तो माइनस वन है यहाँ पे, माइनस वन इंटू साइन ए क्या आ गया माइनस साइन ए अपॉन डाउन में क्या रह गया कोस ए था, कोस ए है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या है कोस ए है, सॉरी ये कोस ए है ना कोस ए, ये क्या है कोस ए, सॉरी ये कोस ए, तो कोस ए होल स्क्वायर एज इट इज। अब साइन अपॉन कोस टेन तो हो गया बट किसका माइनस का ओके। अब माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और टेन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर ए, ये एम एच एस इज इक्वल क्या आ गया एम एच एस टैग करके आर एच एस के इक्वल कर दिया, तो एम एच एस इज इक्वल आर एच एस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी कैन राइट एल एच एस इज इक्वल एम एच एस इज इक्वल आर एच एस, हैंस प्रूव्ड I repeat the question. LHS, MHS, RHS three portion है. Taking LHS, RHS के equal करेंगे. Taking MHS, RHS के equal करेंगे. तो all over equal हो जाएंगे. तो taking LHS ये rewrite किया 1 plus 10 square a second identity से, sec square a 1 plus cot square a direct third identity से, cosec square a. अब sin cos में change करेंगे. sec स्क्वायर ए को 1 अपॉन cos स्क्वायर ए राइट किया, cosec स्क्वायर ए को 1 अपॉन sin स्क्वायर ए राइट किया रेसिप्रोकल फॉर्मूले से। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड करना है, नीचे वाली फ्रैक्शन डिवाइड से मल्टीप्लाई में होगी तो रिवर्स हो जाएगी, ये sin स्क्वायर ए अपॉन 1 आ गया। अब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का के मिडिल में फ्रैक्शन फ्रैक्शन के मिडिल में मल्टीप्लाई का साइन है, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, sin स्क्वायर ए बन जा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए बन जा cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, ये एल एच एस लेके हमने आर एच एस के इक्वल कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टेकिंग एम एच एस री राइट एम एच एस, अब टेन ए को राइट किया साइन अपॉन कोस, कोट ए को राइट किया कोस अपॉन साइन, यहाँ पे वन है वन लेट कर लिया डाउन में तो फ्रैक्शन हो गई, यहाँ पे वन है डाउन में वन लेट कर लिया फ्रैक्शन हो गई, फ्रैक्शन के मिडिल में माइनस साइन है तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में एलसीएम मेथड यूज करेंगे, कोस ए एलसीएम आ गया, वन का कोस ए में डिवाइड किया कोस ए वन जा कोस ए माइनस एज इट इज, कोस ए कैंसिल साइन ए आ गया अपॉन सिमिलरली एलसीएम आ गया साइन ए, साइन वन का साइन ए में डिवाइड किया साइन ए वन जा साइन ए माइनस एज इट इज, साइन ए का साइन ए में डिवाइड किया वन वन इंटू कोस कोस, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवाइड है तो रिवर्स हो जाएगी ओके, साइन ए ऊपर साइन ए माइनस कोस ए नीचे, अबो वन टर्म है देन यूज द ब्रैकेट ओके। अब ये कोस प्लस का ये कोस माइनस का, ये माइनस का साइन ये प्लस का साइन,
कैंसिल हो सकते हैं, बट इनके साइन सेम नहीं है। तो यहाँ पे बाई फोर्स हमने माइनस कॉमन टैग कर लिया, तो ये प्लस का है वो माइनस का हो गया और माइनस का है वो प्लस का हो गया। ओके, तो माइनस का कोस प्लस का साइन, ये क्या हो गए, ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, बट यहाँ पे माइनस अवेलेबल है, माइनस इंटू साइन ए, तो माइनस का साइन ए और अपॉन में क्या हो जाएगा कोस ए, यहाँ पे वन है कोस ए बन जा कोस ए, तो माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, ये हो गया माइनस एज इट इज साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए होल स्क्वेयर। माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, टेन ए का स्क्वेयर करेंगे तो टेन स्क्वेयर ए, एम एच एस टैग करके आर एच एस ले आए, तो एम एच एस इज इक्वल आर एच एस, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट इफ टू थिंग्स इज इक्वल टू सेम थिंग्स देन टू थिंग्स आर इक्वल एंड ऑल ओवर थ्री थिंग्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू यूक्लिड मैथमेटिशियन। ओके, तो एल एच एस बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट एल एच एस इज इक्वल एम एच एस इज इक्वल आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। तो ये टोटल आपका एट्थ नंबर चैप्टर जो कि मे बी सिक्स नंबर का है और वो कंप्लीट हो गया। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।